Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Escort. Today in this video, I will tell you what is region planning, its type and need. Before I will move forward, I hope you will like, share and subscribe my channel. And of course, hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. What is region and what is regional planning, its type? नीड ऑफ रीजन प्लानिंग. सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजन किसे कहते हैं, रीजन प्लानिंग क्या है, इसके टाइप क्या है और रीजन प्लानिंग की नीड क्यों है. सो फर्स्टली हम देखेंगे रीजन क्या होता है. अ रीजन इज़ एन एरिया और ग्रुप ऑफ मैनी एरियाज हैविंग होमोजेनियस प्रॉपर्टी. कहने का मतलब है एक ऐसा एरिया जिसकी जो है होमोजेनियस प्रॉपर्टी हो, एक जैसे हो, समान जो है उसकी प्रॉपर्टी हो. फिर उसके बाद आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखें द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ अ डिसिप्लिन ऑफ द रीजन प्लानिंग वर लेड बाय बेंटन मैकी वे बैक इन 1928 इन हिज बुक न्यू एक्सप्लोरेशन अ फिलोसफी ऑफ रीजन प्लानिंग. जो ये रीजन प्लानिंग जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मीन्स जो सब्जेक्ट है, इसकी जो फाउंडेशन है वो बेंटन मैकी ने रखी थी 1928 में. उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, न्यू एक्सप्लोरेशन अ फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग जो है उन्होंने ये बुक लिखी थी. एंड देन जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है रीजनल प्लानिंग में वो बेंटन मैकी का रहा है और पैट्रिक गैदीज का रहा है. पैट्रिक गैदीज ने जो कंसेप्ट है रीजन प्लानिंग का वो सबसे पहले दिया था एज अ वर्ड जियो टेक्नोलॉजी. पैट्रिक गैदीज को रीजन प्लानिंग का फादर भी कहा जाता है. देन रीजन प्लानिंग इन इंडिया, नेशनल प्लानिंग कमीशन इन 1938, प्लानिंग कमीशन 1950, करंटली नेम्ड एज नीति आयोग. जो रीजन प्लानिंग जो की जाती है वो इंडिया में उसके लिए दो कमीशन है, एक नेशनल कमीशन 1938, एक 1950. जो 1950 वाला कमीशन है अब हम उसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं. नीति आयोग के आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. देन जो प्लानिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में कौन कौन से हैं, नीति आयोग हमको पता है. देन रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल है और प्लानिंग बोर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेट. ये तीन जो है प्लानिंग इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में. देन टाइप्स ऑफ रीजन, रीजन के टाइप देखें, फिजिकल एंड फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन, प्लानिंग रीजन. अब फिजिकल रीजन कौन से होते हैं? फिजिकल एंड फॉर्मल रीजन ये अपने नेम से ही इंडिकेट कर रहे हैं, नेम से ही बता रहे हैं कि ऐसे रीजन जिसकी जो फिजिकल जो ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टी वो सेम हो, होमोजीनियस हो, एक जैसी हो. फिर फंक्शनल रीजन, अ रीजन विच हैव अ सिंगल फोकस पॉइंट एंड द होल रीजन इज इंटरकनेक्टेड टू दैट एरिया. कहने का मतलब है कि ऐसा एरिया जो अपने फंक्शन के लिए जो है इंटरकनेक्टेड है दूसरे जो है एरिया से, उसका एक सिंगल जो है फोकस पॉइंट है. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एरिया जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, तो वो एरिया जो है अपनी उसका एक फंक्शन है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, वहाँ पर जो है सारी हमारे को फैसिलिटी मिलेंगी. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि वो अगर वहाँ वो जो एरिया है टेक्नोलॉजिकल हब है वो फंक्शनल फंक्शन उस एरिया का वो है, उस एरिया को हम फंक्शनल जो है रीजन कहेंगे. देन प्लानिंग रीजन, प्लानिंग रीजन में क्या होता है कि प्लानिंग रीजन मतलब कोई ऐसा रीजन जो हमने फिगर आउट किया हो, जो हमने आइडेंटिफाई किया हो प्लानिंग के लिए. प्लानिंग रीजन विच इज़ आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली फॉर प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू. देन रीजन प्लानिंग की हम बात करेंगे. रीजन प्लानिंग क्या होता है? ये स्पेसिफिक टाइप की प्लानिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजनल प्रोसीजर. यानी कि जब भी हम किसी भी रीजन की प्लानिंग करते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है. इट इज़ नाइदर फिजिकल प्लानिंग अलोन नॉर इकोनॉमिक्स प्लानिंग. जब हम जो रीजन प्लानिंग होती है वो ना फिजिकल प्लानिंग होती है ना इकोनॉमिक्स प्लानिंग होती है. होता क्या है इसमें, ये कोरल जो एरिया का जो इंटरेस्ट है वो जो है सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिजिकल चीज़ों पे, सोशल चीज़ों पे, इकोनॉमिक्स चीज़ों पे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे
ऑल जो ये सारी चीज़ें हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, तब जाके कहीं रीजन प्लानिंग होती है। देन टाइप्स ऑफ रीजन प्लानिंग, ऑफकोर्स फंक्शन प्लानिंग, सेक्टरल प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, शॉर्टर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर प्लानिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग एंड स्पेशल प्लानिंग। स्पेशल प्लानिंग में टाउन प्लानिंग आता है, कंट्री प्लानिंग आती है, एरिया प्लानिंग एंड रीजन प्लानिंग। अब हम फंक्शन प्लानिंग की बात करेंगे। सबसे पहले फंक्शन प्लानिंग में क्या होता है कि फंक्शन प्लानिंग स्ट्राइव टू अचीव अ सुप्रीम सिंगल स्पेसिफिक गोल, यानी कि फंक्शन प्लानिंग में क्या होता है, हम एक ही चीज़ को जो है फोकस करते हैं। इट रिलेट्स टू द प्लानिंग ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, इसमें जो है एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है जिसमें हम फोकस करते हैं, जिसकी हम प्लानिंग करते हैं विद फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ। फिर सेक्टरल प्लानिंग आ गया। सेक्टर प्लानिंग में क्या होता है, सेक्टरल प्लानिंग रेफर्स टू द प्लानिंग एक्टिविटी कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन वन सेक्टर, इकोनॉमी से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है कि जो ये सारी सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हम जो है इनकी प्लानिंग करेंगे सेपरेट, एक टाइम पे एक। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन हम इकट्ठे प्लान करेंगे, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर इकट्ठे, नहीं, इसके लिए हमारे पास सेपरेट प्लानिंग होती है, राइट। देन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में नाम ही बता रहा है, यानी कि बहुत वाइड प्लानिंग और कनेक्टेड जो प्लानिंग होती है। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हैज़ ऑल्सो बीन यूज विद इम्प्लिसिट कनेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिव प्लानिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिंगल एक्टिविटी। फिर हम उसके बात करेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या होगा, ये काफ़ी कम समय के लिए प्लानिंग होती है, इस प्लान का भी काफ़ी कम जो है इसमें लाइफ स्पेन होता है। जो पीरियड होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग का वो 5 ईयर्स होता है और 5 ईयर्स से लेस होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रही हो। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, द एम ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज़ टू फुलफिल लॉन्ग टर्म गोल्स। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इसका गोल क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म जो प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करना। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग में क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर प्लानिंग होता है ये जो है इसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है पब्लिक सेक्टर प्लानिंग में वो काफ़ी लिमिटेड होता है। जो मेन प्रिंसिपल होता है पब्लिक सेक्टर प्लानिंग का वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होती है। जो पब्लिक सेक्टर प्लानिंग किस लिए होती है, ताकि जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए काम हो सकती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज मेनली विद प्राइवेट एंटरप्राइजेस विद इकोनॉमिक्स रिकंसिडरेशन में बिकम गाइडिंग प्रिंसिपल। कितना बजट है, क्या इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स है, उस पे जो है डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग। देन स्पेशल प्लानिंग, स्पेशल प्लानिंग में क्या होता है, ये कवर करता है प्लानिंग एक्टिविटी दैट इज़ कनेक्टेड विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस। यानी कि यहाँ पे स्पेशल प्लानिंग में क्या होता है कि स्पेस को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे इसके अंदर टाउन प्लानिंग आती है, कंट्री प्लानिंग आती है, रीजन प्लानिंग आती है, एरियल प्लानिंग इसके अंदर आती है। स्पेशल प्लानिंग के अंदर हमने देखा रीजन क्या होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ रीजन क्या है, रीजन प्लानिंग क्या होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नीड क्या है रीजन प्लानिंग की, आखिर ये रीजन प्लानिंग हम कर क्यों रहे हैं। तो इसके लिए मेनली जो है 3-4 कंसेप्ट है। फर्स्ट, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, डिक्रीज पॉवर्टी, गरीबी को मिटाने के लिए, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण करने के लिए। देन रीजन प्लानिंग इज नेसेसरी टू इम्प्रूव एंड रिजॉल्व वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग द अबव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन। द मेन एम ऑफ रीजन प्लानिंग इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, टू प्रोवाइड इक्वल इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी, टू डिक्रीज रीजन डिस्पैरिटी दैट मे कॉज ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ सोर्स एंड लेस एडवांस टेक्नोलॉजी। पहला हमने देखा रीजन प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, बेटरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक जो रीजन है, कोई पर्टिकुलर रीजन है उसको डेवलप करने के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए। देन टू प्रोवाइड इक्वल इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए। फिर टू डिक्रीज रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल जो डिस्पैरिटी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पे कम है, इस चीज़ को मिटाने के लिए हम जो है रीजन प्लानिंग करते हैं। फिर
फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए, फॉर टू डिवेलप इंट्रा रीजनल लिंक्स, हम जो है रीजन के बीच में लिंक जो है डेवलप कर सके उसके लिए, टू डील विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं चीज़ों का, तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट होंगे उसको डील करने के लिए जो है हम रीजनल प्लानिंग करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेन एवर आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो यू विल गॉट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर watching.